एवरीवन एंड वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आरती और मैं लेके आती हूँ ट्रैवल एंड मेकअप क्यूरियर। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे जो आने वाले वीडियोज़ है वो मिस ना हो। आज हम आए हैं आगा खान पैलेस, जो कि है पूना का बहुत फेमस हिस्टोरिकल प्लेस। इस वीडियो में आपको आगा खान पैलेस की पूरी डिटेल्स मिलेगी, मतलब एग्जैक्टली हिस्ट्री क्या है, देन वहाँ पे एंट्री फ़ीस कितनी है, पार्किंग की फ़ीस है या नहीं, देन टाइमिंग कितना है, एंड एज वेल एज ये जो लोकेशन है वो गांधी जी से कनेक्टेड क्यों है, ये भी आपको इस वीडियो में समझ आएगा। सो अगर इस लोकेशन के बारे में बताऊँ तो ये फिनिक्स मॉल से 2 किलोमीटर पे आता है, एंड जो लोकेशन की लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो आप जो ये एरिया देख रहे हो ये एक्चुअली पार्किंग का एरिया है, एंड यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस नहीं है। एंड अगर इस साइड देखोगे तो ये है टिकट घर, जहाँ से आपको लेना है टिकट, एंड टिकट के प्राइस है 25 रुपीज़ पर पर्सन, एंड टाइमिंग यहाँ का है 9:30 से 5:30। सो अंदर देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, लेट्स गो। इफ़ यू आर फॉरेनर देन आपको 300 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे, एंड जो 15 साल के बच्चे होते हैं या फिर उससे कम जो होते हैं उनके लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है, एंड अगर आपको फ़ोटोज़ या फिर शूटिंग करनी है देन वो आप आपके मोबाइल से कर सकते हो, लेकिन कोई भी डिजिटल कैमरा अलाउड नहीं है। जैसे ही आप अंदर आओगे आपको देखने मिलेगा सुंदर सा एंड वेल मेंटेन गार्डन, एज वेल एज आपको देखने मिलेगा ये शानदार पैलेस, जो कि है गांधी जी से कनेक्टेड। इसे बोला जाता है प्रिजन ऑफ महात्मा गांधी जी। हिस्ट्री अबाउट द पैलेस इज, ये जो पैलेस है वो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने 1892 में बनाया था, एंड उस टाइम इन्हें बनाने में लगे थे 12 लाख रुपीज़। एंड ये जो पैलेस है वो 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डोनेट किया गया था, एंड अभी के लिए ये पूना का बहुत ही ज़्यादा फेमस हिस्टोरिक लैंड है। ये जो पैलेस है वो एक्चुअली गांधी जी से कनेक्टेड है, एंड इसी पैलेस को प्रिजन ऑफ गांधी जी भी बोला जाता है। उसके बिहाइंड वो एक रीज़न है, गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी एंड सेक्रेटरी महादेव देसाई, इन लोगों को एंड उनके कुछ साथीदारों को यहाँ पे लेके आए थे इन 1942 में, एंड यहीं पे उनको कैद किया गया था। एंड नॉट इवन दिस, सरोजिनी नायडू को भी यहाँ पे लेके आए थे, एंड उनकी भी एक गैलरी यहाँ पे अलग से बनाई गई है। सो आगे देखेंगे हम अलग अलग गैलरीज, एंड उसमें भी बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। सो लेट्स गो। जैसे आप गैलरी नंबर 1 में जाओगे आपको देखने मिलेगा गांधी जी का बड़ा एंड सुंदर म्यूज़ियम, जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लगाई गई है, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती हूँ। अगर आपको इंस्टाग्राम का आईडी पता नहीं है मैं नीचे दे देती हूँ, आप वहाँ पे जाके कभी भी चेक कर सकते हो एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो। ये गैलरी नंबर 2 में इन 1942 टू 1944 श्रीमती मीरा बहन एंड श्रीमती प्रभावती नारायण, इन लोगों को कैद किया गया था। इसी हॉल में वो लोग कैदी की हालत में एक कोने में जाके बैठती थी, एंड नॉट इवन दिस, ये वही जगह है जहाँ पे कस्तूरबा गांधी जी एंड उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई जी ने आखिरी सांस ली थी। इसी आगा खान पैलेस में गांधी जी और उनके लोगों को अरेस्ट करने के 6 दिन बाद ही उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। इसी गैलरी नंबर 3 में सरोजिनी नायडू को कैद किया गया था ऑन 9th of August 1942 टू 21st of March 1943 तक, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण उनको यहाँ से रिलीज़ किया गया। यहाँ पे आपको मिलेगी छोड़ो भारत आंदोलन की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एंड ये है डॉक्टर उषा मेहता, जिनको फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया ऐसा भी बोला जाता है, एंड इन्होंने ही छोड़ो भारत आंदोलन के टाइम में गुप्त रेडियो स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में क्रांति हुई थी एंड इस आंदोलन में बहुत सारी मदद हुई थी।
गैलरी नंबर 4 में आपको देखने मिलेगा बहुत सुंदर एंड रियल दिखने वाला गांधी जी का स्टैचू। एंड इसी कैद के दौरान गांधी जी ने 21 दिन का उपवास भी रखा था फ्रॉम 10th ऑफ फेब टू 2nd ऑफ मार्च 1943 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। एंड साथ ही में आपको वहाँ के गैलरी में देखने मिलेंगी महात्मा गांधी जी एंड कस्तूरबा गांधी जी की कुछ ऐसी चीज़ें जो वो उस टाइम यूज़ करते थे, एंड वही चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी जो है बहुत ही ज़्यादा रियल। यहाँ पे आपको लास्ट में जो गैलरी देखने मिलेगी वो है महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की, एंड उनके अरेस्ट के 18 मंथ्स के बाद ऑन 22nd ऑफ फेब्रुआरी 1944 को कस्तूरबा गांधी जी की मौत यहीं पे हो गई थी। एंड उनकी सुंदर सी समाधि इसी पैलेस के बाहर बनाई गई है जो हम आगे देखेंगे। एंड यही रास्ता जाता है समाधि की ओर एंड गार्डन की ओर, एंड इसी रास्ते में आपको देखने मिलेगा सरोजिनी ग्रंथालय भी। आज वेल आज इसी रास्ते में अगर आपको गांधी जी के कुछ चीज़ों का एग्जिबिशन देखना है देन वो भी यहाँ पे है, एंड नॉट इवन एग्जिबिशन, अगर आपको वो परचेस करना है देन आप वो परचेस भी कर सकते हो। इसी रास्ते से गांधी जी समाधि की ओर जाते थे, एंड यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी कस्तूरबा गांधी जी, देन महादेव देसाई एंड एज वेल एज एशेस ऑफ महात्मा गांधी जी की समाधि। अंदर टॉयलेट भी अवेलेबल है एंड एज वेल एज कैंटीन भी, जहाँ से यू विल गेट सम स्नैक्स टू ईट। ये जो पूरा एरिया है वो 13 acres है, एंड इस 13 acres में के जो 7 acres है उसमें ये आगा खान पैलेस बनाया गया है, एंड जो रिमेनिंग एरिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना वेल मेंटेन गार्डन है, ये रिमेनिंग एरियाज में बनाया गया है। आगा खान पैलेस फोटोग्राफर्स के लिए मेजर अट्रैक्शन है फॉर वेरियस काइंड ऑफ फ़ोटो शूट्स, बिकॉज इसका जो आर्किटेक्चर है एंड बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी एंड द परफेक्ट फ़ोटो शूट के लिए जो लाइट होती है वो यहाँ पे मिल जाती है। अदरवाइज आप यहाँ पे आके आराम से मतलब पूरा पैलेस घूमने के बाद यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो एंड आपको चाहे जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच ये वाला वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आगे वाले वीडियोस अगर मिस नहीं करने हैं देन गो एंड सब्सक्राइब, एंड साथ ही में उसके साइड की जो बेल आइकन है उसको भी दबाना। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।